हेलो दोस्तों, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं जो हमारे पास है। ड्राइव द वेव इक्वेशन फॉर द जेड कंपोनेंट। हमें वेव इक्वेशन ड्राइव करनी है जेड कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। कोई भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, जो प्रोपेगेशन वेक्टर होता है वो आपस में क्या होते हैं, हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो भी हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब हम क्या हमें ड्राइव करनी है इक्वेशन, तो क्या लिख देते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास E नोट साइन के आर माइनस ओमेगा टी। के क्या है, हमारे पास वेव वेक्टर है, जिसका जो मान है, जिसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 2π/λ, ठीक है। और ये हमारे पास आर है ओमेगा टी, ठीक है। अब हम निकालते हैं आगे, तो आर क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम आर को डिफाइन करते हैं। तो आर क्या हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, हमारे पास ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी वेक्टर वेक्टर कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर देते हैं हम इसको। फिर हमारे पास आगे ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड इज इक्वल टू ई नोट, ये जो वैल्यू हम इसके अंदर रख देते हैं, और ई नोट साइन के यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ओमेगा टी। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो वाई और एक्स डायरेक्शन में तो है ही नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओनली जेड डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट और ये हमारे पास क्या हो गए, जीरो। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी जेड, ये हमारे पास होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन इन द जेड कंपोनेंट के अंदर। फिर हम निकालते हैं सो दैट द वेव प्रोपेगेट इन द फ्री स्पेस, जो वेव किस स्पीड से मूव कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, किस स्पीड से, ये हमें बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट से, और ये रिलेशन हमें लेके आनी है, तो सो करना है हमें। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस हैं, चार इक्वेशंस हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होते हैं, उसका जो डॉट डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है, हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इनका जो कर्ल होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कर्ल होगा, वो माइनस कर्ली बी बाई कर्ली टी, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल होगा वो होगा हमारे पास म्यू नोट एप्साइलन नोट कर्ली ई बाई कर्ली टी। ये हमारे पास चार मैक्सवेल की इक्वेशन है, हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन ये है, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन फोर, जो इक्वेशन थ्री है इसका हम क्या करते थे, कर्ल कर देते हैं दोबारा, तो क्या होगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल टी नेगेटिव, और ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम जो वेक्टर की ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्रॉस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम ई, ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है खोलने का, इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास, माइनस कर्ल बाय
कर्ल टी, और जो डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी हमारे पास क्या है जी, डेल क्रॉस बी हमारे पास क्या है, ये है, इसको हम लिखते हैं म्यू नोट एप्साइलन नोट कर्ल ई बाय कर्ल टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, जो डाइवर्जेंस ऑफ ई वो क्या है हमारे पास जीरो, तो ये क्या हो गया हमारे पास जीरो माइनस ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो गया माइनस म्यू नोट एप्साइलन नोट, ठीक है, और इसको क्या लेते हैं हम डबल डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ई बाय कर्ल टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास नेगेटिव साइन, और ये इक्वेशन है जो हमारे पास ये निकली है म्यू नोट एप्साइलन नोट पार्शियल डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे क्या होगा हमारे पास, हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं, और जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद क्या हम इसको निकाल देते हैं, तो जनरल इक्वेशन कंपेयर करके हम क्या निकाल देते हैं, तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन होगी हमारे पास, जो वेव इक्वेशन है हमारे पास जनरल, वो है हमारे पास ठीक है, हम इसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, और इसको सोल्व करके हमें क्या मिलेगा रूट म्यू नोट एप्सिलॉन, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या है 10^8 ये आता है हमारे पास कुछ समथिंग 2.94, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि जो हमारे पास वेव प्रोपेगेट करती है वो किसकी स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपेगेट करती है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और ये हमारा क्वेश्चन कम। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, और ये लास्ट है हमारा, जो ये हमारी असाइनमेंट है इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास है साइनोसॉइडल प्लेन ईएम वेव प्रोपेगेट, एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वाटर से ग्लास के अंदर मूव करती है, प्रोपेगेट करती है। कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशियंट फॉर दिस वेव एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा कर लेते हैं हम, ये हमारे पास एक इंटरफेस है दोनों मीडिया का, ये हमारे पास इस साइड ग्लास है और इस साइड क्या है वाटर है, ठीक है। ये वेव आई, इस साइड वेव आई हमारे पास ये कुछ ऐसे, ठीक है, तो मान लो ये कुछ ऐसे थी, ठीक है, तो जब ये वेव इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। तो जब कोई भी वेव, लाइट वेव कोई भी वेव हमारे पास, वो एक कोई भी इंटरफेस से इंसिडेंट होती है, इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो क्या हो जाती है पार्सली ट्रांसमिशन होता है उसका, पार्सली ट्रांसमिशन होता है और पार्सली क्या होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हमारे पास इंसिडेंट हुई एक इंटरफेस के ऊपर ईएम वेव, तो उसका क्या हुआ कुछ ट्रांसमिशन हुआ और कुछ क्या हुआ इसके अंदर रिफ्लेक्शन हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है इसका ट्रांसमिशन कोफिशियंट और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या क्या है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें ग्लास का और वाटर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, वो क्या होगा हमारे पास, इसको हम कुछ आर से डिनोटेड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एन वन माइनस एन टू N1 प्लस N2। N1 क्या, N1 मान लिया हमें ग्लास का, ठीक है, जो N1 है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख दो N1 वो क्या है हमारे पास 1.5 और N2 क्या है हमारे पास 1.33, ठीक है। N1 मान लिया हमें ग्लास का और N2 किसका मान लिया हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1.5 1.33 by 1.5 plus 1.33 = ये होगा हमारे पास 0.17 2.83, और इसका जो आंसर है हमारे पास वो क्या गया 0.06, ठीक है। अब हम निकालते हैं ट्रांसमिशन ट्रांस
मिशन कोफिशियंट वो क्या है हमारे पास, 2n2 / n1 + n2। तो ये हमारे पास क्या है, 2 × 1.33, 1.5 + 1.33, ये हो गया हमारे पास 2.66 / 2.83, और जो इसका आंसर है वो हमारे पास 0.94। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, ठीक है, और ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशियंट हो गया। तो इसको हम टी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल टी से, और इसको हम डिनोट कर देते हैं आर से। तो ये हमें कैलकुलेट करना था, तो ये कैलकुलेट कर लिया। फिर इसने बोला है कि सो दैट व्हेन एन ईएम वेव इंटर फ्रॉम वन डायलैक्ट्रिक मीडिया टू अनदर डायलैक्ट्रिक मीडिया, कि जो हमारे पास ईएम वेव है वो एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन्स अनचेंज, मतलब फिक्स रहती है। तो देखते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो ईएम वेव है उसकी एनर्जी क्या होती है हमारे पास, एच न्यू, न्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो इनिशियल एनर्जी होगी और फाइनल एनर्जी होगी वो क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। तो जैसे हम क्या करते हैं, तो हमारे पास वेव की इक्वेशन, इनिशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, ई एच, हम एफ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी, ये होगी हमारे पास। अब हम ई फाइनल क्या होगी हमारे पास, ये होगी इनिशियल, और तो ये क्या होगी हमारे पास, एच एफ, ये होगी हमारे पास फाइनल। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या होगी हमारे पास, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब एनर्जी इक्वल होगी, तो वो क्या होगी हमारे पास, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, एच एफ इनिशियल इज इक्वल टू एच एफ फाइन, ये हमारे पास कैंसिल होगी, तो ये क्या हमारे पास, एफ वन। तो हमारे पास जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी, मतलब सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी ली और बाद में जो ये प्रोसेस हुई हमारे पास, इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, एफ, तो ये क्या है हमारे पास, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पहले हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी और जो लास्ट में फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या है, सेम है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हमारे पास, फिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये असाइनमेंट है ये सोल्व हो गई पूरी कंप्लीट। तो आपको इसका जो पीडीएफ है वो 2-3 दिन में मिल जाएगा, कल या परसों। थैंक यू।